आज हम बात करेंगे IPAC ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम एलिफैटिक एमिन्स के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम बात करेंगे एनिलीन के बारे में, इनका IPAC कैसे लिखा जाता है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफ़ी डिस्कशन किया था, इसके बाद लेक्चर कंटिन्यू करते बेटा 15-20 मिनट का, इसके बाद आपका IPAC कम्प्लीट हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग से यदि NH2 ग्रुप अटैच हो तो उसे क्या बोलते हैं, एनिलीन। ठीक है, जिसका कॉमन नेम IPAC नेम, दोनों कॉमन है, इसे एनिलीन भी बोलते हैं। चाहे कॉमन नेम बोले चाहे IPAC नेम, तो बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच है तो इसे क्या बोलेंगे, एनिलीन बोल दीजिए या बेंजीन एमीन। क्लियर, एनिलीन या बेंजीन एमीन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिया गया है, एक एक पॉइंट को समझना। यहाँ पे लिखा गया है NH2 एंड BR लिखा गया है, तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से देंगे, जिस कार्बन से NH2 ग्रुप अटैच, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर, तो इसका IPAC नेम क्या होगा, ये हमारा साइड चेन हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, 4-bromo-aniline बोल लीजिए, या क्या बोलेंगे, 4-bromo-benzene-amine। क्लियर, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे या तो बेंजीन एमीन बोलेंगे। तो साइड चेन यहाँ पे है, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो क्या बोलेंगे, 4-bromo-aniline। क्लियर, तो बेटा नोट करिए, हम इस पर प्रॉब्लम कराते हैं, आप समझते जाइए। अगला प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम समझते जाइए। जैसे यहां पे लिखा गया है NH2 CH3, अगला प्रॉब्लम जो दिया गया है NH2 O CH3, NH2 CH3 एथाइल। फोर्थ प्रॉब्लम जो दिया गया है NH2 एथाइल। क्लियर, अब नंबरिंग यहां से देंगे 1, 2, इसका IPAC क्या हो जाएगा, 2-methyl बेंजीन एमीन, या क्या बोल देंगे, 2-methyl एनिलीन। यहाँ पे 1, 2, 3 ये हमारा साइड चेन होगा, तो OCH3 क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी, C2H5 पर एथॉक्सी, C3H7 होगा प्रोपॉक्सी, इसका IPAC क्या हो जाएगा, 3-methoxy एनिलीन बोल दीजिए या 3-methoxy बेंजीन एमीन। चलिए यहाँ पे देखिए बेटा NH2 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो साइड चेन किस कार्बन पे, 2 पे है और 4 पे है, 4 पे एथाइल या 2 पे क्या है, मिथाइल, इसका क्या हो जाएगा, 4-methyl-2-methyl-benzene-amine। क्लियर बच्चों, चलिए यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस पूरे ग्रुप क्या बोलेंगे, बेंजीन एमीन बोलेंगे या एनिलीन बोलेंगे। तो सबसे पहले साइड चेन लिखेंगे, साइड चेन किस कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे है, तो क्या हो जाएगा,
एथाइल बेंजीन एमीन। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, फिर आगे हम चलते हैं। इसको नोट करिए, NH2 Br Br Br। अगला कॉलम यहाँ पे दिया गया, NH CH3। M CH3 CH3। चलिए यहाँ पे देंगे बच्चों, यहाँ से नंबरिंग आप देंगे। ये आप होगा 1 2 3 4 5 6। तो साइड चेन की बात करें, साइड चेन किस किस कार्बन पे, 2 पे है, 4 पे है और 6 पे है। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नेम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बोल लीजिए या बेंजीन एमीन। क्लियर? अभी तक जो भी आपको प्रॉब्लम कराए थे, आपका 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन था। यहाँ की बात करें आपका 2 डिग्री होगा, यहाँ पे आपकी बात करेंगे 3 डिग्री होगा। क्लियर? तो यहाँ पे बात करें तो एक तो ये होगा हमारा साइड चेन, एक साइड चेन हो गए। ये कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है, या आपका 1 कार्बन का है। पहले तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? बेंजीन एमीन बोलेंगे। ये हमारा साइड चेन पे आ जाएगा, इसे क्या बोलेंगे? एन मेथाइल बेंजीन एमीन। क्लियर? इसी तरह बेंजीन से डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच है, तो इस पूरे पोजीशन क्या बोलेंगे? बेंजीन एमीन। लेकिन इस पे 2 है, ये 2 टर्सरी है, क्या बोलेंगे? दोनों सेम है, तो N डाई मेथाइल बेंजीन एमीन। क्लियर बच्चों? चलिए नोट करिए, 2-3 प्रॉब्लम हो कराते हैं। जैसे यहां पे दिया गया अगला प्रॉब्लम, एम एथाइल मेथाइल एम एथाइल प्रोपाइल एम एथाइल एथाइल। तो यहाँ पे बेंजीन है आपका 3 डिग्री एमीन है, इससे क्या बोलेंगे? पूरा बेंजीन एमीन बोलेंगे। यहाँ पे 2 साइड चेन है, एक एथाइल है दूसरा मेथाइल है, क्या हो जाएगा? एन एथाइल एन मेथाइल बेंजीन एमीन। यहाँ पे क्या बेटा? इथाइल है, प्रोपाइल है, इसका IUPAC नेम क्या होगा? एम एथाइल एम प्रोपाइल बेंजीन एमीन। यहाँ पे क्या है? इथाइल इथाइल, तो क्या हो जाएगा? एम कॉमा एम डाई एथाइल बेंजीन एमीन। ठीक है, तो
बहुत सिंपल सा है। इस पूरे ग्रुप क्या बोलेंगे, या तो बेंजीन एमीन ले लीजिए या एनिलीन ले लीजिए, दो साइड चेन है, दोनों सेम है, तो एन काम है एन डाइएथाइल एमीन। यहाँ की बात करें डिफरेंट है, एथाइल प्रोपाइल अल्फाबेट पहले ही आता है, एन एथाइल एन प्रोपाइल बेंजीन एमीन। यहाँ पर मिथाइल एथाइल दिया गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन एथाइल एन मिथाइल बेंजीन एमीन। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया, इस तरह आज आपका IPSC कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा 5 मिनट में कंप्लीट करा रहे। यदि अमोनिया की बात करें तो अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसे होता है, नाइट्रोजन H और साथ में इसके पास क्या होता है, लोन पे है, 3 सिग्मा बांड 1 पाई बांड, मतलब हमारा क्या बनेगा SP3, 3 सिग्मा बांड 1 लोन पे। यदि 1 डिग्री एमीन की बात करें तो 1 डिग्री एमीन कैसे लिखते हैं, RNH2 मीन्स RMHH लोन पे सेम होगा, 3 सिग्मा बांड 1 लोन पे मतलब क्या बनेगा SP3। 2 डिग्री एमीन की अगर हम बात करें RN RH लोन पे, और 3 डिग्री एमीन की अगर हम बात करें, 3 डिग्री ये होता है इनके स्ट्रक्चर, SP3 होगा। अगर SP3 है तो 4 बांड पे होने पे क्या होता था, टेट्राहेड्रल, 3 बांड पे 1 लोन पे होने पे क्या बनता है, पिरामिडल शेप बनता है। ये होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। तो इस तरह आज आपका IPSC कंप्लीट होता है बेटा। कल से हम बात करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ एमीन के बारे में। तो आज इतना ही, थैंक यू।